हेलो गाइस, वेलकम टू डीएल कॉम्पैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कुछ ड्राइविंग टिप्स उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम हिल्स पे ड्राइव कर रहे हैं, या जो लोग न्यू ड्राइवर्स हैं और जिन्होंने कभी हिल्स पे ड्राइव नहीं किया है, या जिन्होंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जिनको हिल्स पे ड्राइव करने का, उन लोगों के लिए हम कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप हिल्स पे ड्राइव कर रहे हो, कुछ ऐसी टिप्स जो आपके काम आएगी जब भी आपको कभी हिल्स पे ड्राइव करना हो। तो यही सब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। कुछ मेन मेन पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपको ध्यान रखने चाहिए और जिसकी वजह से आपके लिए हिल्स पे ड्राइविंग करना काफी कन्वीनियंट बन जाएगा। तो छोटा सा वीडियो है, आई होप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होगा आपके लिए एंड आई होप कि कुछ लोगों की वो हेल्प कर पाएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आप लोगों के लिए काम आ सकती है। गाइस, जब भी आप हिल्स में जाओ या हिल्स पे ड्राइव करो तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए हिल्स में ड्राइव करते वक्त। सबसे पहली चीज, जब भी आप हिल्स पे ड्राइव करो तो आपको अपनी लेन पे ही कार ड्राइव करनी है। अगर आप को जो भी लेन है, लेफ्ट या राइट, उसी लेन पे आपको अपनी कार को रखना है। आपको ऐसा नहीं करना कि आप अपनी लेन से हट रहे हो बार बार, उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस हिल्स पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड थिंग जो आपको हिल्स पे ड्राइव करते वक्त ध्यान रखनी है वो है, कभी भी अगर आप किसी अपहिल पे ड्राइव कर रहे हो और तो हमेशा आपको, या जो गाड़ी अपहिल की तरफ जा रही है उसको आपको स्पेस देना है। अगर आप नीचे उतर रहे हो तो आपको हमेशा चढ़ती हुई गाड़ी को स्पेस देना है और कोशिश करनी है कि उसको जितना टाइम पे आप स्पेस दे सको उसको, उसका स्पेस दो और वो गाड़ी आपको पास कर जाए। तो हमेशा उसको, चढ़ती हुई गाड़ी को हमें हिल्स पे स्पेस देने की जरूरत है। तीसरी पॉइंट जो हिल्स पे ड्राइव करते समय आपको ध्यान रखना है वो है कि जब भी आप गाड़ी आपकी उतर रही हो या नीचे की तरफ जा रही हो तो आपको ब्रेक्स का जितना हो सके उतना कम यूज करना है, आपको इंजन ब्रेकिंग का यूज करना है। तो मैंने कई बार देखा है कि कई बार लोग करते हैं कि लोग अगर गाड़ी जैसे नीचे उतर रही है तो उस केस में लोग अपनी कार को न्यूट्रल में डाल देते हैं और न्यूट्रल में ही कार को ड्राइव करते हैं। कभी भी आपको गाड़ी को न्यूट्रल में डाल के ड्राइव नहीं करना है। अगर आप न्यूट्रल में गाड़ी को डाल के ड्राइव करते हो और उस वक्त अगर आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो ऐसा भी होता है कि आपकी ब्रेक्स काम करना बंद कर देती है। तो मैंने इस इशू पे एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी कि कब ब्रेक्स काम करना बंद करती है और किस सिचुएशंस में ब्रेक्स काम नहीं करती। आप वो वीडियोस देख सकते हो मेरे चैनल पे। अदरवाइज आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नीचे उतर रहे हो तो आपको कभी भी न्यूट्रल में डाल के गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है। बिकॉज यार आप अगर आप ये सोच रहे हो कि न्यूट्रल में डाल के अगर हम गाड़ी ड्राइव करेंगे तो हमारा फ्यूल कम लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ईसीयू हमारा इतना स्मार्ट होता है गाड़ी का कि उसे पता होता है कि कब कार को फ्यूल देना है और कब नहीं देना है इंजन को फ्यूल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूट्रल पे गाड़ी डाल के ड्राइव करने पे आपकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी कार की। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि, और ये बहुत सीरियस चीज़ है गाइस, कि आप कभी भी न्यूट्रल में रख के गाड़ी को ड्राइव ना करें। तो ये चीज़ आपको हिल्स पे स्पेशली ड्राइव करते समय हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि हिल्स पे यार आपकी एक छोटी सी गलती आपके एक्सीडेंट का रीजन बन सकती है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये हिल्स पे ड्राइव करते समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और कई लोग ऐसी इन चीज़ों को ही निग्लेक्ट करते हैं। और स्पेशली जो ड्राइवर्स, न्यू ड्राइवर्स जो हिल्स पे पहली बार गाड़ी चला रहे हैं, उन लोगों को तो इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। लेन ड्राइविंग, अपनी लेन पे आपको ड्राइव करना है, हमेशा चढ़ती हुई गाड़ी को स्पेस देना है आपको। और जो थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया, कभी भी अगर आप कार उतार रहे हो तो कभी भी गाड़ी को न्यूट्रल पे रख के मत चलाओ, आपको हमेशा गियर पे रख के ही गाड़ी ड्राइव करनी है और जितना हो सके आपको उतरते वक्त इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना है। तो कुछ गाइज यही पॉइंट्स हैं जो हिल्स पे ड्राइव करते वक्त हमें ध्यान रखने चाहिए और ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। और जो लोग फर्स्ट टाइम कार ड्राइव कर रहे हैं हिल्स पे, उन लोगों के लिए तो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप भी इजिली हिल्स पे ड्राइव कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, बहुत शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ और ये सिर्फ इसी उन्हीं लोगों के लिए है ज़्यादा जिन लोगों ने कभी हिल्स पे ड्राइव नहीं किया है या जो फर्स्ट टाइम हिल पे ड्राइव कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। बहुत शॉर्ट वीडियो है,
अगर आपके कोई क्वेरीज या कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि वो उन क्वेरीज से रिलेटेड मैं वीडियोज आपकी जल्दी लेके आऊँ चैनल पे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।